ये कह रहा है कि एक पाइप के आंतरिक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर और इस पाइप की लंबाई 10 मीटर लंबाई है, तो कितना पानी आएगा? तो पानी का आयतन निकालना है, पानी का आयतन आपको निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे? तो क्षेत्रफल में अनुप्रस्थ काट के जो क्षेत्रफल हो रहा है, क्षेत्रफल में आपको क्या करना होगा, तो उसकी लंबाई से गुना कर देंगे, तो आ जाएगा यहाँ से लंबाई या ऊंचाई जो भी रहता है, यानी कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर में इसको गुना कर देंगे 10 मीटर में, तो इसको भी तो सेंटीमीटर में होना चाहिए ना। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर गुना ये कितना हो जाएगा, 10 गुना 100 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से आ जाएगा 100 पे कितना, ये 2 2 4 1 5 5 0 हो जाएगा ना, यहाँ इतना सेंटीमीटर क्यूब पानी आएगा। तो इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से भाग करना होगा ना। चलिए तो 1000 से भाग कर दीजिए तो यहाँ लीटर में बदल जाएगा, 3 0 काट देंगे, 100 लीटर तो होगा, 100 लीटर पानी आएगा, समझ गए। चलिए ये क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन 4 नंबर एक और।